हेलो वेलकम, मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ है यंग टैलेंटेड डैशिंग अमोल पराग सर। अमोल बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पराग जी, थैंक यू सो मच। मतलब कितना कैश लुटवा रहे हैं आप? किसका किसका लुटवा रहे हैं? सबका फायदा ही हो रहा है, किसी का लुट तो नहीं रहा है फिल्म के अंदर। हाँ, फिल्म के अंदर भी कोशिश तो यही है कि किसी का बच जाए, बट वो गुलशन जी का जो कैरेक्टर है उनका कैश बचाने की कोशिश है, लेकिन थोड़ा थोड़ा लूट जाता है और उस चक्कर में तकलीफ में फंस जाते हैं हम। तो ये फिल्म की कहानी है। बाकी तो आई डोंट थिंक मेरी वजह से किसी का लूट रहा है या लूटना चाहिए। दिस इज द वेरी फर्स्ट फिल्म जो डिमोनेटाइजेशन पे है। मतलब वो थीम वो है। करेक्ट। तो इट्स वेरी, बहुत हमारे अलग अलग एक्सपीरियंस हमने देखे कि गंगा में नोट बहते हुए देखे, कहीं पे नोट जलते हुए देखे बोरों में। इस फिल्म में क्या हो रहा है? इस फिल्म में भी ये सब भी है, काफी सारी ऐसी चीजें हैं छोटी छोटी जो उस टाइम पे हमने देखी थी, सुनी थी। हाँ। या खबरों में देख पढ़ा था कि कैसी अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, तो वो सब भी छोटा छोटा हर जगह टच किया गया है जो उस चीज को रिलेटेबल बनाता है, जो उस चीज को जो आपको याद दिलाता है उस टाइम के बारे में कि अरे हाँ ये सब हो रहा था उस टाइम पे, हमने सुना था, हमने देखा था। पर फिल्म का जो मेन कहानी है वो इन तीन चार लोगों की कहानी है कि उनको ये सब जो आपदा में अवसर वाले लोग हैं, जो आपदा है उसने भी कुछ बिजनेस आइडिया सोच लिया है। अरमान जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ वो बिजनेस आइडिया सोचता रहता है, तो उसने इसके अंदर भी एक आइडिया सोच लिया है। सोडा जो उसका पार्टनर है उसको अंदर ले लिया है, और फिर उनसे अगर वो मैनेज नहीं होता है तो नेहा को बुलाया जाता है जो फिक्सर एक्सपर्ट है कि भाई कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा काम करना है तो उसके लिए नेहा जी हैं, तो वो मिलती है उनको। एंड हाउ दीज थ्री फोर पीपल दे ट्राई टू रन दिस कंपनी, जो उन्होंने डीमोनेटाइजेशन के अराउंड बिजनेस आइडिया सोचा है, वो कंपनी चलाने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या क्या मुश्किल आती है, कहाँ कहाँ फंस जाते हैं, कहाँ किस तरह के तिकड़म उनको निकालने पड़ते हैं, और उन सब के अंदर ही बहुत अच्छे से राइटिंग में वो सब टच हो जाता है जो आप बोल रहे थे कि हमने उस टाइम सुना था, देखा था, लोग नोट जला रहे हैं, लोग लाइनों में खड़े हैं, कोई खुश है, कोई नाराज है, सब कुछ था। तो फिल्म के अंदर भी सारे कैरेक्टर्स हैं, सब तरह के लोग हैं, और इनकी कहानी के थ्रू हम वो चीज़ को थ्रोबैक, आजकल बोलते हैं ना थ्रो, हैशटैग थ्रोबैक, डिमोनेटाइजेशन का थ्रोबैक है ये, 5 साल हुए हैं जिस चीज़ को। और बहुत सरप्राइजिंग है कि अभी तक ज़्यादा कुछ बना नहीं, शायद डरते हैं लोग। खबरों की बात माने अफवाहों की, तो आपके घर के बाहर भी कुछ जलने के कागज नहीं, मतलब दिखाई तो नहीं दिया था, क्योंकि मेरे जो माँ बाप है मेरे पेरेंट्स बॉम्बे में थे उस टाइम पे, मुझे याद है, क्योंकि ये पता था कि अरे अब तो बहुत पता नहीं क्या होगा, बहुत सारी थियोरीज थी कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लोग कैसे डील करेंगे नहीं करेंगे, बट मेरे माँ बाप इस बात में बहुत चिल थे कि वो दोनों सरकारी नौकरी की है उन्होंने पूरी पूरी जिंदगी, तो जो भी है सरकार से आता है, कैश में कोई डीलिंग नहीं, कोई बिजनेस नहीं है जिसमें कहीं कुछ ऐसा डीलिंग हो या कैश हो या कुछ क्या दो नंबर का हो, तो वो तो लगा कि देखो हमारा तो सब साफ है, अपना तो सरकार से आता है, सरकार में जाता है, टैक्स कट के आता है, तो वो हम लोग काफ़ी रिलैक्स थे, मतलब इतना भी था तो वो था कि अरे वो जो 2-3-4 हज़ार कैश पड़ा है उसका क्या करेंगे, देखेंगे उसका होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा। बट हाँ, मतलब ये था कि कहीं ना कहीं तकलीफें तो हो रही होंगी लोगों को, और होनी भी चाहिए, अगर आपके पास ब्लैक मनी था तो तकलीफ होनी चाहिए। तकलीफ शायद उन लोगों के लिए भी हुई जो ब्लैक मनी नहीं था बट कैश में डील करते हैं, जो सैलरी ही कैश में मिलता है, जिनका इतना सैलरी भी नहीं है, हमारा स्टाफ है, मेड्स हैं, तो वो सब तरह का देखा, मतलब कुछ लोगों की तकलीफों से आपको लगा सिंपैथी नहीं थी, कुछ लोगों की तकलीफों से आपको सिंपैथी थी, बट थैंकफुली जिस तरह का सेटअप है फैमिली में और जिस तरह का जो भी हमारा फाइनेंशियल सेटअप है उसमें कुछ था ही नहीं, उसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, ऐसा भी नहीं कि दुकान चलाते हैं तो कुछ कैश देना होता है, कुछ नहीं। आपने टेलीविजन में आपका एक अलग अपना फैन फॉलोइंग है, अब सिनेमा क्या आप विजन लेके आए, क्या दिमाग में है? देखिए, वो कहीं ना कहीं हर एक्टर को अच्छा रोल चाहिए होता है, अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए होती है, इसमें कई बार आप उस लालच में भी करते होंगे, चलो मैं पहली फिल्म में हीरो बनूंगा कर लेता हूँ, बट इसमें मेरी खुशकिस्मती क्या रही कि स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया मिली ऐसी फिल्म के लिए भी, शायद मैं कर लेता यही सोच के कि अरे चलो ये एक मौका मिल रहा है फिल्म में, यू नो आपको सबसे आगे प्रेजेंट किया जाएगा, बट एट द सेम टाइम वो तो मिला ही, और एक बढ़िया स्क्रिप्ट भी मिली जो शायद मैं किसी और मीडियम पे भी करता,
और ये मैंने ऋषभ को बोला, जो मेरा दोस्त है जिसने डायरेक्ट किया है, जिसने लिखी भी है आशुरा के साथ, तो उसको तो उस तरह की स्क्रिप्ट है कि अगर ये वेब सीरीज़ होती तो वेब सीरीज़ भी करता, ये अगर किसी और प्लेटफॉर्म पे तो वो भी करता, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत मज़ेदार थी और स्क्रिप्ट का मज़ा वैसा था जिस तरह की चीज़ों में मुझे मज़ा आता है, जो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर है या मेरे जोक्स हैं, जो चीज़ मैं देखना चाहता हूँ, जो चीज़ मैं देखना चाहूँगा वैसी चीज़ आप बनाना चाहोगे ताकि लोग देखें, तो वो आई फील वेरी लकी कि ये पहली फिल्म में ऐसा भी मिला कि मज़ेदार स्क्रिप्ट मिली, आप इसको लेके एक्साइटेड हो, आपको पता है कि यार कर रहे हैं मज़ा आएगा, फिल्म क्या बनती है किसी को नहीं पता होता, हमें परसों पता चलेगा तो लोग देखेंगे, अपने तरफ से जो भी था रिस्पॉन्स आया है, लोगों ने रिएक्ट किया है, कुछ लोगों को पहले हमें था कि क्या ज्यादा लेट हो गया है, 5 साल लोग भूल तो नहीं गए, बट भूले तो नहीं है, इतना तो ट्रेलर से याद है, बाकी है अभी से बात हो रही थी, ये पहली कॉमेडी फिल्म है जिसमें दिमाग लेके जाना है आपको, दिमाग छोड़ के नहीं जाना है। हाँ ऐसा कह सकते हैं, मतलब कि दिमाग, मतलब मुझे लगता है कि जोक अच्छा होता है तो सब लोग एंजॉय करते हैं, तो वो सरप्राइज भी हो सकता है, आप बैठे बैठे आप कोई अच्छी बात कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ हमको हंसी आ जाए, बट उसमें ये ज़रूर है कि जो जिस तरह के जोक्स हम देखते आए हैं या जो उसी जोक को थोड़ा घुमा फिरा के वापस से डाल दिया जाता है, वो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, सो ये स्मार्ट ह्यूमर है, सिचुएशनल ह्यूमर है, कैरेक्टर बेस्ड ह्यूमर है, ये हम दूसरे एंड में बात कर रहे थे, ये केले पे फिसल के गिर जाने वाला ह्यूमर नहीं है। हाँ तो वो इसीलिए मैंने जैसा कहा कि इसीलिए मैंने रिलेट किया, मैंने बोला यार ये तो एक्चुअल, ये मेरे हिसाब से ये फनी है, ये फनी जोक है, जो किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा है, किसी चीज़ का मजाक नहीं उड़ा रहा है, वो सिचुएशन में ही है और स्मार्टली सोचा गया जोक है, वैसे जोक्स थे जो मैं अगर सोचता तो मैं प्राउड होता कि यार ये मैंने सोचा है या ये मैंने लिखा है, तो वो आई थिंक एक सेफ ह्यूमर है, प्रोग्रेसिव ह्यूमर है, तो मुझे लगता है कि वो एक्चुअली बेस्ट काइंड ऑफ ह्यूमर है कि जो आपको रिलेटेबल भी लगे, जिसमें आपको हंसी भी आए, लेकिन वो किसी को नीचा नहीं दबा रहा है, वो किसी आप नीचे वाले पे मजाक नहीं बना रहे हो। सिनेमा के हम हालांकि अब तो वो लकीर मिट गई है, लेकिन फिर भी एक कंटेंट बेस्ड सिनेमा और एक कमर्शियल सिनेमा में एक थिन लाइन है, आपका रुझान किस तरफ है? मैं कोशिश करता हूँ कि डेफिनेशन ही बदल दी जाए, तो मुझे कल रात को मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने पूछा कि तुम कमर्शियल काम करना चाहते हो या जिस तरह का तुम करते हो वो करना चाहते हो, मेरे हिसाब से जो मैं करता हूँ वो कमर्शियल है, क्योंकि इतने सारे लोग देखते हैं, वो अलग बात है कि ठीक है वो टिकट खरीद के थिएटर में आने वाला नहीं हुआ है अभी तक, बट जिस तरह के मैंने शोज किए हैं जो इतने सारे लोग, इतने मिलियन व्यूज और 10 मिलियन व्यूज, वो कमर्शियल है, मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि 100 लोगों ने देखा और बस 100 लोगों को पसंद आया, वो 1-1 करोड़ लोगों, 2-2 करोड़ लोगों ने देखा, वेब सीरीज कितने लोग देख रहे हैं आजकल, तो मेरे हिसाब से वो कमर्शियल है, ये जो लाइन्स हैं ये शायद आपके दिमाग में है कि कमर्शियल का मतलब सिर्फ ये, मेरे हिसाब से कमर्शियल मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंजॉय करें, अब आप उनकी जेब से पैसे कैसे निकाल रहे हो, अलग बात है कि आप टिकट के निकाल रहे हैं कि आप सब्सक्रिप्शन से निकाल रहे हैं या कई बार आप फ्री में निकाल रहे हैं या ब्रांड से निकाल रहे हैं, वो कॉमर्स वो प्रोड्यूसर्स का है कि भाई जो इसका भरपाई है वो कहाँ से हो, पर मेरे हिसाब से बहुत सारा काम मैंने वैसा ही किया जो बहुत सारे लोगों को पसंद आया और वो कमर्शियल है, तो एक है कि एक आई थिंक वो सिनेमा का जो एक बिग स्क्रीन सिनेमा है जहाँ पे डायलॉग्स होते हैं और एक्शन होता है और गाड़ियाँ उड़ती हैं, तो वो वाला मैंने अभी तक नहीं किया, मेरे पास शायद जैसा मैं दिखता हूँ, जैसा मैं हूँ या जिस तरह के कैरेक्टर्स मुझे खींचते हैं वो थोड़े मेरे आसपास के हैं, थोड़ा मुझे लगता है कि हाँ मैं नहीं तो मुझे भी बॉडी बॉडी बनानी पड़ेगी, चार गुंडों को पीटना है, आपको बड़ी जान के हैरान हुआ कि फरहा का स्टेटमेंट था वो कि जब वो दिलवाले बना रही थी और वियान का रोल था उसके लिए उन्होंने हजारों लड़कों की वो लिए और सबके डोले शोले, बोले नॉर्मल लड़का ही नहीं मिलता है यार। हाँ, तो आजकल और आई थिंक कहानियां आजकल एनकरेज कर रही है, इससे जिस तरह की फिल्में बन रही है, वेब सीरीज बन रही है, आप देखोगे कि वो जो एक एक इमेज थी हीरो की या हीरोइन की या मेल एक्टर फीमेल एक्टर फनी एक्टर, वो थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ है कि उसमें अलग अलग
तरह के दिखने वाले लोग अब दिखाई दे रहे हैं। तो वो हम जैसे लोगों को फायदा है, क्योंकि पहले यही बोलते थे कि देखो एक्टिंग करनी है, एक्टर बनना है तो बॉडी बना लो। मैंने शुरू में कोशिश की, मैंने कहा ये ज्यादा मेहनत है, इससे अच्छा कोई नाटक करूंगा, कोई प्ले करूंगा, कुछ वर्कशॉप करूंगा, वो वाला मेहनत मैं करने को तैयार हूँ, पर ये नहीं हो पा रहा है मुझसे। और वो उसमें मेहनत लगती है, ये मैं नहीं बोलता कि जो बॉडी बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि वो सिर्फ जिम जाना नहीं है, वो पूरा लाइफ स्टाइल आपका वैसा है, खाना पीना उठना बैठना सोना, यार ये मेहनत नहीं है, मैं दूसरी वाली मेहनत करूंगा। तो किस्मत है या मतलब ये अच्छा है, मीडियम दुनिया बदल रही है, कहानियां बदल रही हैं, कि अब मेरे जैसे बिना डोले वाले लोगों के लिए भी काफी सारा काम है। चलिए चलते चलते, जो आपने आपका जो इतना फैन बेस आपने बनाया है, भले वो टीवी से हो या ओटीटी से, उनको क्या कहेंगे ये? मैं यही कहूँगा यार कि अभी जो हैं हम जहाँ पहुँचे हैं पिछले 4-5 साल में, वो मोस्टली आप लोगों की वजह से ही है। आप लोग देखते हो, आप लोग को पसंद आता है तो हमें और काम मिलता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार इसका काम लोग देखते हैं। सो दिस इज़ माय फर्स्ट फिल्म जिसमें हीरो बोलते हैं लोग कि हीरो बन के आ रहे हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते थे, फैन लोग भी, कि बाबा आप हीरो कब बनोगे? तो आई थिंक वो फाइनली टाइम आया है, और किस्मत है और अपनी कोशिश और मेहनत है कि अच्छी स्क्रिप्ट फनी फिल्म लेके आ रहे हैं। तो प्लीज़ देखिए, प्लीज़ और लोगों को दिखाइए, अगर आप चाहते हैं हम जैसे लोग और काम करें, आपको और एंटरटेन करें, तो प्लीज़ मेक दिस वर्क, बिकॉज अगर ये इसका अच्छा रिस्पांस आएगा तो और काम मिलेगा। क्या चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना काम मिले कि आप कैश गिनते गिनते थक जाए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू।